ऑल, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम विश एकेडमी डॉट कॉम और अब हम पढ़ने वाले हैं HTML DOM मैनिपुलेशन, जिसके अंतर्गत हम HTML एलिमेंट्स के अंदर मौजूद कंटेंट को, HTML को या फॉर्म वैल्यूज को ग्रैब करेंगे या कैच करेंगे या गेट करेंगे, देन उन्हें किसी वेरिएबल में होल्ड करेंगे और हम उन्हें डायनामिकली चेंज भी करेंगे। सो चले देखते हैं ये सब हम कैसे करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी ड्यू के अंदर के कंटेंट को किस तरह किसी अलर्ट बॉक्स में कैच कर सकते हैं और या फिर किस तरह डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। सो आपके सामने है हमारा वेब पेज जिसमें चार कार्ड हैं, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 एंड कार्ड 4, जिनके अंदर कुछ डमी टेक्स्ट लिखे हुए हैं एंड इन्हीं के नीचे एक बटन है गेट कंटेंट, जिसपे क्लिक करने पर फिलहाल कोई इवेंट फायर नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही एक अलर्ट बॉक्स शो होगा, एक अलर्ट पॉपअप शो होगा और उसके अंदर इन चारों में से किसी एक कार्ड का कंटेंट शो होगा, वो कार्ड जिसे हम डिफाइन करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं ये सब कैसे होने वाला है। ये हमारा सोर्स कोड, इस सोर्स कोड में ये रहा कार्ड का HTML, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4। ओके, कार्ड क्लास सभी कार्ड्स में कॉमन है एंड 1, 2, 3, 4 उनकी सीरीज वाइज दी गई है। देन ये रहा हमारा बटन गेट कंटेंट, इसकी आईडी है। सो हमारा टास्क ये है कि जैसे ही हम गेट कंटेंट बटन पर क्लिक करें तो हमें इन चारों कार्ड में से किसी का कंटेंट एक अलर्ट बॉक्स में शो होना चाहिए। सो यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ इंटरनल JS, स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रिप्ट टेक जो इस तरह क्लोज हो रहा है एंड शुरू करते हैं jQuery $document.ready के साथ। ओके, नाउ फंक्शन, ओके, सबसे पहले मैं यहां पर चार वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं। पहला है कार्ड 1, इसी तरह दूसरा है कार्ड 2 एंड तीसरा है वेरिएबल कार्ड 3 एंड चौथा है कार्ड 4। ओके, कार्ड 1 की वैल्यू है डॉलर, देन कार्ड 1 दोनों क्लास है, कार्ड क्लास है और 1 क्लास है। ओके, सो डॉट डॉट लगेगा दोनों के लिए, डॉट कार्ड डॉट 1। ओके, नाउ इसी तरह इज इक्वल टू डॉलर डॉट कार्ड डॉट 2। इसी तरह थर्ड कार्ड के लिए डॉलर डॉट कार्ड डॉट 3 एंड फॉर लास्ट वन डॉलर कार्ड सॉरी डॉट कार्ड डॉट 4। ओके, चारों कार्ड को हमने वेरिएबल में ले लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें इनकी वैल्यू किस तरह एक अलर्ट बॉक्स में शो करनी है। सो टास्क ये है कि गेट कंटेंट पे क्लिक करने पर, मतलब हम उसे jQuery में इस तरह लिखेंगे डॉलर आईडी है गेट कंटेंट पर, इवेंट है क्लिक, क्लिक करने पर। ओके, किसी भी टास्क को अगर आप इस तरह ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो आपको काफी आसानी समझ में आ जाएगा। सो गेट कंटेंट पे क्लिक करने पर इन चारों कार्ड में से किसी के अंदर का कंटेंट एक अलर्ट बॉक्स में शो होना चाहिए। सो अलर्ट बॉक्स चाहिए हमें एक, ओके, अलर्ट 1 टेस्ट कर रहे हैं हम इसे, क्लिक करने पे 1 आ रहा है, मतलब गेट कंटेंट पे क्लिक वर्क कर रहा है। नाउ सबसे पहले हम शो करते हैं कार्ड 1 का कंटेंट। सो कार्ड 1 डॉट इसके अंदर का कंटेंट हमें शो करना है, कंटेंट मतलब इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसे हम एक अलर्ट बॉक्स में शो करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ लिखना होगा टेक्स्ट, टेक्स्ट एक मेथड है, सो पेरेंथेसिस। ओके, किसी भी ड्यू के अंदर का कंटेंट अगर आप किसी वेरिएबल में होल्ड करना चाहते हैं या कैच करना चाहते हैं, जिस तरह हम अलर्ट बॉक्स में शो कर रहे हैं उस तरह शो करना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को ग्रैब करने के लिए या कैच करने के लिए या गेट करने के लिए आपको यूज करना होगी टेक्स्ट मेथड, जिस तरह हम यहाँ पर कर रहे हैं।
सो गेट कंटेंट पे क्लिक करने पर अलर्ट होगा कार्ड वन के अंदर का टेक्स्ट. क्लियर. रिफ्रेश एंड गेट कंटेंट एंड आई एम कार्ड वन. ओके, अगर कार्ड टू का शो करना है तो कार्ड टू, सेव, रिफ्रेश एंड आई एम कार्ड टू. ओके, इसी तरह सभी कार्ड्स के लिए वर्क करेगा. अभी ये फोर के लिए टेस्ट करते हैं. कार्ड फोर, सेव, रिफ्रेश एंड क्लिक आई एम कार्ड फोर. क्लियर. सो इस तरह हम किसी ड्यू के अंदर के टेक्स्ट कंटेंट को किसी वेरिएबल में होल्ड कर सकते हैं और उन्हें डायनामिकली चेंज भी कर सकते हैं. देखते हैं डायनामिकली चेंज किस तरह कर सकते हैं. ये था गेट कंटेंट. अब मैं एक बटन और बना रहा हूं या इस बटन को कॉपी कर रहा हूं. इस बटन की आईडी होगी सेट कंटेंट. हम डायनामिकली किसी कार्ड के अंदर का टेक्स्ट चेंज करेंगे जेक्वेरी इवेंट पर. एंड सेट कंटेंट, सेव एंड रिफ्रेश. यहां पर दो बटन होगा, गेट कंटेंट एंड सेट कंटेंट. ओके, कमेंट कर देता हूं यहां पर सेट कंटेंट. नाउ डॉलर देन बटन आईडी है सेट कंटेंट. पर क्लिक करने पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. देन क्या होगा, कार्ड वन के अंदर का टेक्स्ट चेंज होगा. ओके, तो यहां पर भी हमने ये लिखा था कार्ड फोर डॉट टेक्स्ट. यहां पर भी कार्ड फोर लिख देता हूं मैं. कार्ड फोर टेक्स्ट दोनों सेम दिख रहे हैं, सो कोई डिफरेंस नहीं है. अगर मैं गेट कंटेंट पर क्लिक करूंगा तो आई एम कार्ड फोर दिखाई दे रहा है. सेट कंटेंट पर क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहां पर अलर्ट नहीं लगाया है. ओके, और अलर्ट हमें लगाना भी नहीं है, हमें इसके अंदर की वैल्यू चेंज करना है. तो सेट कंटेंट पे क्लिक करने पर कार्ड फोर के अंदर का टेक्स्ट चेंज होना चाहिए. तो ऐसा करने के लिए आपको टेक्स्ट मेथड के अंदर सिंगल कोटेशन लगाना है या डबल कोटेशन लगाना है, और जो भी टेक्स्ट आप रिप्लेस करना चाहते हैं करेंट टेक्स्ट से उसे आपको यहां पर लिखना है. लाइक टेक्स्ट चेंज्ड सक्सेसफुली. ओके, सेव एंड रिफ्रेश एंड गेट कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो आई एम कार्ड फोर आ रहा है एंड इसके अंदर का टेक्स्ट आ रहा है. जैसे मैं करता हूँ सेट कंटेंट तो टेक्स्ट चेंज सक्सेसफुली, और अब मैं गेट कंटेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिखा आ रहा है टेक्स्ट चेंज सक्सेसफुली. सो इस तरह आप क्रिएटिवली इनका यूज कर सकते हैं. आप किसी ड्यू के अंदर का कंटेंट गेट कर सकते हैं, उसे किसी वेरिएबल में होल्ड कर सकते हैं और डायनेमिकली चेंज भी कर सकते हैं. सो यूज क्रिएटिवली. इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमें HTML भी गेट करना है तो कैसे करेंगे. सो कीप प्रैक्टिस. सी यू नेक्स्ट वीडियो. टाटा बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग.